नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेकर, पूरक कोण। पिछले अध्याय में अपने ट्रिग्नोमेट्री जो आइडेंटिटीज थी उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे और उनको सॉल्व किया था और होमवर्क भी दिया था आपको। आशा है कि आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट अपने अब कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही है नेक्स्ट अपना टॉपिक, पूरक कोण यानी कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आओ समझें। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आती है तो हमेशा ही आपको राइट एंगल ट्रायंगल को याद रखना है। ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और एंगल ए जो है वो थीटा है। तो टोटल एंगल जो मतलब सम होता है जो ट्रायंगल के एंगल्स का, वो होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल ए थीटा है, एंगल बी 90 है प्लस एंगल सी इक्वल 180। तो एंगल सी को अपने फाइंड करना है, तो 90 इधर जाएगा और थीटा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एंगल सी इक्वल 180 माइनस 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों डिजिट हैं, ये सॉल्व हो जाएंगी 90 माइनस थीटा, यानी एंगल सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 माइनस थीटा। ये आपका एंगल सी है। अब बात यह है कि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, यानी अगर थीटा का कंप्लीमेंट्री एंगल पूछा जाए तो वो 90 माइनस थीटा है, और अगर 90 माइनस थीटा का कंप्लीमेंट्री पूछा जाए तो वो थीटा है। इसमें होता क्या है कि जब अपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये होता है। तो अगर अपने साइन थीटा के लिए लें तो ये आपका आधार है, ये आपका कर्ण है और ये आपका लंब है। तो साइन थीटा के लिए ये हो गया। लेकिन अगर अपने साइन 90 माइनस थीटा के लिए बात करें तो अगर आपका ये एंगल थीटा होगा, यानी 90 माइनस थीटा को थीटा मानेंगे, तो इसके बिल्कुल सामने वाला क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा। सॉरी, ये गलत लिखा गया, ये आपका करण है और ये आपका लंब है, और इसके बिल्कुल सामने आपका आधार हो जाएगा। ये लंब है तो आधार ये हो जाएगा। तो अब साइन 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटा करण। ये पहले के लिए था, लंब था आपका बी सी और करण था आपका ए सी, और इसके लिए ये हो जाएगा लंब ए बी अपॉन ए सी। तो ये चेंज हो गया। अगर मैं साइन थीटा के लिए अपने बात करें, कोस थीटा की वैल्यू निकालूं मैं थीटा एंगल के लिए, तो कोस होता है आधार बटा करण, ठीक है। तो आधार ए बी था आपका और ये ए सी था, और इसके लिए ये देखिए कि ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू यहाँ भी वही आ रही है, सेम आ रही है ना। तो इसमें क्या होता है कि जब अपने 90 माइनस थीटा की बात करेंगे किसी भी रेशियो के लिए, तो वो उसका कंप्लीमेंट्री दूसरा बन जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, कोस थीटा के इक्वल आ रही है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, कोस थीटा, ठीक है। इसी तरह से अगर अपने और देखें दूसरे एंगल्स को, यानी ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं, अगर यही बात कोस के लिए आ जाए तो कोस 90 माइनस थीटा होगा, तो वो देखिए क्या होगा। कोस 90 माइनस थीटा के लिए देखिए, ये आपका थीटा एंगल होगा, तो इसके सामने आपका लंब और ये आधार और ये आपका करण वही रहेगा। तो ये होता है आधार बटा करण। आधार आपका कितना होगा इसके अंदर, बी सी, और ये होगा आपका ए सी। तो बी सी अपॉन ए सी, ये वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। इसका मतलब कोस 90 माइनस थीटा जहां कहीं भी होगा उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो सकती है, साइन थीटा के इक्वल। ये थे आपके कंप्लीमेंट्री एंगल्स, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी साइन 90 माइनस थीटा को कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री
टेन और कोट के अंदर रिलेशन होता है, यानी अगर आपको टेन 90 माइनस थीटा दिया हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हो, कोट थीटा। और अगर कोट 90 माइनस थीटा है तो आप उसको लिख सकते हो टेन थीटा। ठीक है, इसी तरह से अगर अपने बात करें तो कोसेक 90 माइनस थीटा इसके इक्वल होगा सेक थीटा के, और सेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा कोसेक थीटा, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण का टॉपिक। ये किस लिए होता है, मैंने एक साइन थीटा को लेके आपको समझा दिया है, इसी तरह से दूसरे भी आप प्रूफ करके देख सकते हो क्यों होते हैं। आपको ये क्वेश्चंस के लिए याद रखना है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस टेन कोसेक 90 माइनस सेक, और सेक 90 माइनस कोसेक। ये था आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का टॉपिक।